बात करते हैं जगत के पालनहार की, भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ अपनी गुंडिचा मौसी यानी कि गुंडिचा मंदिर से अपने श्री मंदिर लौट आए हैं। 8 दिनों तक मौसी के घर रहने के बाद प्रभु अब अपने धाम में विराजमान हो जाएंगे। गुंडिचा मंदिर से पुरी मंदिर तक इस रथ यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है और इस यात्रा के आरंभ से समापन के बीच भारतीय संस्कृति और उपासना की बेजोड़ झलक दिखती है। पूरे रीति रिवाज और अनुष्ठान के साथ बहुड़ा रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है और इस दौरान आस्था, परंपरा और उत्सव के रंग देखने को मिलते हैं। रथ यात्रा की शान और उसकी भव्यता को निहारने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। इस बार भी भगवान जगन्नाथ के अपने घर यानी कि पुरी मंदिर लौटने की खुशी में भक्तों के चेहरे और उनके उत्साह में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरे रास्ते भक्ति में सराबोर भक्त झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जब तक भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर में रहते हैं, तब तक 9 दिन तक जगन्नाथ मंदिर खाली रहता है, यानी कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ का आसन खाली रहता है। जब तक भगवान जगन्नाथ मंदिर में लौट नहीं आते, तब तक प्रभु के बेहद खास दोस्त यानी कि नीलमाधव आसन के सामने बैठते हैं, जो सामान्य दिनों में नजर नहीं आते क्योंकि तब नीलमाधव जगन्नाथ जी के आसन के पीछे बैठे होते हैं। इसके बाद जब रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ वापस अपने आसन पर आते हैं तो फिर नीलमाधव माँ लक्ष्मी के बगल में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है जिसमें श्री जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरण एकादशी के दिन जगन्नाथ और रुक्मणी का विवाह हुआ था। इसके दूसरे दिन ही पूर्णिमा होती है जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ 108 तालाबों में स्नान करते हैं। खुले में स्नान करने की वजह से उन्हें बुखार आ जाता है और 15 दिनों के लिए इलाज के लिए वो एकांतवास में चले जाते हैं। जब तबीयत सही हो जाती है तो भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर चले जाते हैं, लेकिन तब तक विवाह के दौरान लगाई गई माँ लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की गांठ भी नहीं खुलती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी उदास हो जाती हैं। तब माँ लक्ष्मी अपनी जेठानी विमला यानी कि जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र की पत्नी से आज्ञा लेकर तुरंत ही ससुराल के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जब माँ लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं तो डर के मारे भगवान जगन्नाथ न तो दरवाजा खोलते और न ही उनसे मिलते हैं। माँ लक्ष्मी अपने पति यानी कि भगवान जगन्नाथ की इस बेरुखी को सहन नहीं कर पाते हैं और वो गुस्से से थमथमा जाती है। इसी गुस्से में मौसी के घर के दरवाजे के बाहर खड़े जगन्नाथ जी के रथ के पहिए तोड़ देती है और उसी गुस्से में श्री मंदिर लौट आती है। माँ लक्ष्मी के लौटने पर जगन्नाथ जी के बेहद करीबी दोस्त नीलमाधव उनको धैर्य रखने की सलाह देते हैं। इस बीच आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने मंदिर आ जाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के लिए दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार नीलमाधव किसी तरह भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी के बीच सुलह करवा देते हैं, जिसके बाद माँ लक्ष्मी मान जाती हैं। खास तोहफे के तौर पर जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी को सफेद रसगुल्ला खिलाते हैं। बहुड़ा यात्रा की मिसाल मिलना दुर्लभ है। भव्यता और दिव्यता के मामले में ये किसी भी धार्मिक यात्रा का एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है। इस वक्त यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। बहुड़ा यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन के लिए ओडिशा पुलिस की 180 बलजन और 1000 से अधिक अधिकारी जुटे हुए हैं।